नमस्कार साथियों, अपेक्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बाल विकास की नेक्स्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बाल विकास का एक नया टॉपिक बुद्धि पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि। बुद्धि है क्या, तो चलो ये देखते हैं। हम सबसे पहले यही बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि क्या है दोस्तों, बुद्धि है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति ही बुद्धि है, या हम ये कहें कि कोई व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाना या अमूर्त या मूर्त में अंतर करना, चेतन या अचेतन में अंतर करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सभी समस्याओं को सुलझाना ही बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि के माध्यम से ही हम हर प्रकार की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि हमने देखा है, आपने भी देखा है कि बुद्धि होती है वो जन्म से ही आती है। ऐसा कहीं किसी ने देखा है कि आज एक बालक पैदा हुआ है और आज उसके पास बुद्धि नहीं है, मान लो वो 6 महीने का हो गया उसके बाद उसमें बुद्धि आई, ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो बुद्धि जन्म से ही आती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि है वो कौन सी शक्ति है, जन्म जा सकती है। बुद्धि है वो कौन सी शक्ति है, जन्म जा सकती है। अब दूसरा नंबर आता है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और आपके पास ऑप्शन हो कि वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं या केवल एक, तो ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि अगर आप केवल वंशानुक्रम लगा दोगे तो बात नहीं बनेगी, और केवल आप वातावरण लगा दोगे तो बात नहीं बनेगी। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। वंशानुक्रम वातावरण होता क्या है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस भी बालक की बुद्धि होती है वो उसके वंशानुक्रम के अनुसार भी होती है और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। अब देख लो भाई, बुद्धि तो मैंने लिखा है बोर्ड पे, देख रहे हो आप लोग कि बुद्धि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि शब्द का, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था? 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। इसी आधार पर बुद्धि के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? फ्रांसिस गाल्टन। कभी कभी ये आ जाता है अल्फ्रेड बिनी, इनको मत लगा देना, अंतर है, बताएंगे हम अभी आपको कि क्या अंतर है। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। क्लियर दोस्तों, आगे आते हैं। अब चलते हैं 1890 में। 1890 में आरवी कैटल ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका? मानसिक परीक्षण एवं मापन। एक पुस्तक का नाम था मानसिक परीक्षण एवं मापन। उसमें उन्होंने सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। जिस प्रकार 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, उसी प्रकार 1890 में आरवी कैटल ने अपनी पुस्तक लिखी थी मानसिक परीक्षण एवं मापन, उसी पुस्तक में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और यहीं से ये शब्द निकल के आया मानसिक आयु। कौन सा? मानसिक आयु, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल एज। ये यहीं से निकल के आया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। अब 1905 में, कब की बात है? 1905 की बात है। अल्फ्रेड बिनी आई, अल्फ्रेड बिनी ने सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। जो ये मानसिक आयु शब्द कहां से आया था? आरबी कैटल की बुक से। और इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया? अल्फ्रेड बिनी ने। कब किया? 1905 में। फिर क्या हुआ, इनके एक शिष्य थे साइमन बिने। साइमन किसके शिष्य थे? अल्फ्रेड बिने के शिष्य थे। तो इन्होंने इनके साथ मिलकर 1908 में एक संशोधन किया। फिर
एक दूसरा संशोधन हुआ 1911 में, ये किसने किया? टर्मन ने। ये टर्मन कौन थे? ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कहां के? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये टर्मन। इन्होंने 1911 में एक संशोधन किया। आगे चलते हैं साथियों, फिर क्या हुआ इसके बाद 1912 में, यहां आ जाइए, इसके बाद 1912 में बुद्धिलब्धि शब्द, बुद्धिलब्धि जो सूत्र है जो आप पढ़ते हो कि एक व्यक्ति बालक की मानसिक आयु दी रहती है और वास्तविक आयु दी रहती है, तो उसका आईक्यू लेवल निकाला जाता है। आईक्यू लेवल को क्या बोलते हैं? बुद्धिलब्धि। तो बुद्धिलब्धि कैसे निकालते हैं? तो एक सूत्र है अपने पास, आपने देखा होगा जो आप पढ़ रहे हो, एम ए अपॉन सी ए और इंटू 100। ये फॉर्मूला है, ये आया कहां से? तो ये 1912 में बुद्धिलब्धि सूत्र स्टर्न व कोहलमान ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न व कोहलमान ने। लेकिन तब इन्होंने ये सूत्र केवल इतना ही दिया था कि आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए, जो एक अधूरा सूत्र था। और इसको पूरा 1916 में यही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की जो टर्मन थी उन्होंने पूरा किया। इन्होंने इसमें क्या कर दिया? 100 का मल्टीप्लाई, तब जाके ये सूत्र पूरा हुआ। तो फिर हमारा सूत्र क्या बन गया? हमारा फॉर्मूला बन गया है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। आगे देखते हैं ये फॉर्मूला क्या बन गया पूरा। आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए और इंटू 100। अब देख लो थोड़े से इनके फुल फॉर्म। आई क्यू बराबर क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धिलब्धि। इंग्लिश में बोलेंगे इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट। एम ए अपॉन होता है मेंटल एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु, और सी ए बना क्रोनिकल एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक आयु। ठीक है साथियों, देखते हैं 1922 में क्या हुआ। 1922 में भारत में बुद्धि परीक्षण हुआ। कब? 1922 में। और ये किसने किया? सी एच रहीस ने। ये कहां के थे? लाहौर विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत में बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में लाहौर विश्वविद्यालय के प्राचार्य सी एच रहीस द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देख लो ये कुछ नाम लिखे हैं कि डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जलोटा, सीएम भाटिया, पंडित लज्जा शंकर, ये ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने बुद्धि परीक्षण पर कार्य किए थे। ठीक है, कुछ भारतीय भी हैं जिन्होंने बुद्धि परीक्षण पर कार्य किए थे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो बताना, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा बुद्धि की। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।